संकल्प और विकल्प में क्या अंतर है? वि माने विपरीत, संकल्प कहते हैं जो ज्ञान युक्त संकल्प चले वो हुए संकल्प, माना अच्छे संकल्प, और विकल्प माने विपरीत संकल्प, जो संकल्प नहीं चलने चाहिए, जिससे अड़चन आती है, नुकसान होता है, हानि होती है, उसको कहते हैं विकल्प। काले सूर्य पुत्र होने के बावजूद उसको सूर्य पुत्र की संज्ञा दी गई। क्या कुछ तो कर्म किया होगा जो कुंवारी कन्या के यहाँ जाकर जन्म लिया, कुंवारी कन्या ने उसे पालना नहीं दी, तो जिसने पालना दी उसका बाप सूत था, माना रथ चलाने वाला था राजा का, तो सेवक कहा जाता है, दास कहा जाता है, तो सूत पुत्र माना दास पुत्र कहा गया। और क्या हुआ, सब लोग समाधान स्वरूप हो गए? बिल्कुल, में विघटन आ रहे हैं, संगठन में विघटन आ रहे हैं। संगठन में जब विघटन आए तो समझ लेना चाहिए क्या कमी है। समाधान तो आप ही बताएंगे, चार जगह का संगठन माना यूनिटी, चंबावली में विघटन आता है माने प्योरिटी में कहीं कमी है। जो प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी भी टूट जाती है, इसमें किसी की शिकायत करने की बात नहीं, अपना आईना अपने आप अपने सामने आ जाता है। जितना जितना प्योरिटी पक्की होती जाएगी, चाहे पांडव भवन हो, चाहे गीता पाठशाला हो, चाहे मिनी मधुवन हो, जितना जितना प्योरिटी बनती जाएगी उतना उतना यूनिटी बनती जाएगी। तो चाहे बेसिक नॉलेज हो, चाहे एडवांस नॉलेज हो, बाबा लंका में लक्ष्मण को जब शक्ति वहाँ लगता है तो सब जानते हैं सुरु से, क्या जानते हैं उनको शक्ति बाण जो लगता है, शक्ति बाण जो लगता है लक्ष्मण को, जो शक्ति बाण लगता है तो अचेत हो जाते हैं, जैसे ज्ञान में चलते चलते कोई बैठ जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, संशय पैदा हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बूटी ला करके उनको जगाया जाता है। ज्ञान की बूटी वही ला पाते हैं जो पहाड़ की ऊंची स्टेज पर जा पाते हैं, खुद पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज पर चढ़ने वाले होंगे तो ज्ञान की बूटी लावेंगे, सुगावेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो अचेता अवस्था आती है वो अपनी ही गलती से आती है, वो दूसरों की गलती से नहीं आती है, नहीं तो ज्ञान में बड़े सहज सहज चलना होता है। ऐसे नहीं कि भगवान थे तो उनको अचेतना क्यों आ गई लक्ष्मण जी को, अरे लक्ष्मण के संस्कार अलग हैं, राम के संस्कार अलग हैं। फिर राम रोते क्यों? भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो साधारण मनुष्य रूप में आते हैं या भगवान बन करके आते हैं, किस रूप में आते हैं? साधारण तन में आवेंगे तो कर्म भी साधारण ही करेंगे,
नहीं तो सारी दुनिया उनको पहचान जाए। रावण राज्य में संकल्प विकल्प कैसे बनते हैं? रावण राज्य में संकल्प विकल्प कैसे बनते हैं? बुरे कर्म करते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही संकल्प चलेंगे। कसाई सारा दिन जानवर काटेगा तो उसके संकल्प विकल्प कैसे चलेंगे? दुकानदार सारा दिन दुकान में बैठ करके कपड़ा फाड़ेगा तो उसको स्वप्न कैसे आवेंगे? वैसे ही स्वप्न आवेंगे, वैसे ही संकल्प आवेंगे। कर्मों के आधार पर संकल्पों की रील, स्वप्न की रील बनती है। जोर से बोलो। तालाब में, हाँ जी, पानी पीने गए तो ये लोग पैंस हो गए, लेकर किलो पानी पीने में बेहोश क्यों हो गए? तो कथा कहानी बैठ करके बनाई है। अरे नहीं, चारों के चारों मतलब सो गए। चारों क्यों सो गए? बेहोश हो गए। हाँ, तो बेहोश हो गए तो कोई ज्ञान ऐसा होता है जो ज्ञान में मिक्सरिटी होती है। जैसे आजकल विष्णु पार्टी निकली हुई है तो विष्णु पार्टी ऐसा मिक्स ज्ञान सुनाती है, ग्लानी का ज्ञान सुनाती है, ज्ञान का ज्ञान जल जो है दूषित हो जाता है। दूषित हुआ ज्ञान जल पिया और अचेत हुए। अर्जुन तो नहीं हुए, अर्जुन ने मिस किया। अर्जुन अचेत हुआ लेकिन युधिष्ठिर अचेत नहीं होते हैं। अज्ञान जल का उनके ऊपर असर नहीं होता जो धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म के पक्के होते हैं। जो धर्म के पक्के नहीं होते वो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं। कुछ न कुछ बरखिलाफी होती है और उनको अज्ञान का असर हो जाता है। वो स्थूल जल की बात नहीं है। उसको पता चल गया ना ये हमारे ही भाई है। जब किसी को पता चल जाए कि मेरे ही छोटे भाई हैं, हम सब एक ही माँ से पैदा हुए हैं, तो फिर मोह तो आता है थोड़ा। उसको लगाने के लिए कहा गया, ऐसी जगह लगाओ जहाँ कोई मुझको दाह संस्कार करने के। क्या लगाने के? सबको ऐसी जगह ढूंढी गई। हाँ, पर उसको नहलाने के लिए कहा के लिए पहले नहलाया जाए या दक्षिणा करने के लिए क्या, तो उसने अपना दाह जो निकाला तो धोने के लिए, तब अर्जुन ने जो है ज्ञान जल निकाला और उससे उनका दाह धो करके तब उनको जो है भगवान को दिलाई। तो उन्होंने लौकिक जीवन में उन्होंने कभी भी मान सम्मान नहीं पाया ना, क्योंकि असली बात उनकी छुपी रही जीवन के बारे में। तो लोग उन्होंने दासी पुत्र, उनको दासी पुत्र सदैव समझा। दासी पुत्र समझने के कारण उनका अपमान होता रहा। वो अपमान की ठेस उनको लगती रही जिसको वो सहन नहीं कर सके। अगर शुरुआत से ही सच्चाई का पता होता तो ऐसी बातें नहीं होती। सन्यासी साधु जो सन्यासी हैं, ये संगम को कब जानेंगे कि राम का साक्षात्कार करेंगे? साधु सन्यासी धर्म जो है वो बाद में आता है। और सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कुल पहले आता है इस शक्ति रूपी रंगमंच पर। तो जो पहले आएगा वो पहले ज्ञान लेगा, या जो बाद में रंगमंच पर आते हैं वो पहले ज्ञान ले लेंगे।
वो पहले ज्ञान लेगा, वही परमात्मा को पहले पहचानेगा। साधु संत महात्मा ये तो आते ही बाद में है, और ये तो स्वर्ग के सुख काग विस्तार समान कहते हैं, तो वो तो स्वर्ग में जाते भी नहीं, उन्हें स्वर्ग पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा बाप को मानते भी नहीं, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। परमात्मा बाप के सिवाय तो कोई स्वर्ग स्थापन ही नहीं कर सकता, पहचान भी नहीं पाएंगे, तो कहाँ पहचानते हैं, इसलिए तो सही छोड़ के चले जाते हैं वापस परम धाम। परम धाम में फिर 2500 साल लटके रहे, जब द्वापर आता है तब दूसरे धर्म फिर शुरू होते हैं। तो फिर उनको राम का साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार उनको साक्षात्कार होना कोई खास बात है क्या? साक्षात्कार होने से क्या फायदा? बुद्धि में बात बैठे वो फायदा, या साक्षात्कार हो उससे फायदा? बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। मीरा को साक्षात्कार हुए आज से 800-900 साल पहले, या 400-500-600 साल पहले, लेकिन क्या वो स्वर्ग में चली गई? रैदास को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग में चले गए क्या? उससे भी 1000 वर्ष पहले वाल्मीकि को साक्षात्कार हुए, वो भी नीचे गिरते गए। तो साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता है, वो तो सिर्फ अल्पकाल की खुशी हो जाती है बस। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गुरु रह जाएंगे और चला सत्कार हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहा, इसलिए कहा जैसे आज की मुरली में कहा जो लास्ट में आते हैं और फास्ट चले जाते हैं, तो लास्ट में आने पर भी फास्ट चले गए माना चेला हो गए शक्कर, और उनको पढ़ाई पढ़ाने वाले गुड़ ही रह गए। कहने का मतलब है कि चेला को साथ भगवान दिखाई दे रहा है और गुरु को खोजते रह गए, देखते नहीं किए, तो भगवान को इन आंखों से देखने की चीज थोड़े ही, वो तो बुद्धि से समझने की चीज है। उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान है, और उन्होंने नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया तो पीछे रह गए। तो आखिर वो पत्थर ही बुद्धि रह जाएंगे कि समझेंगे? पत्थर बुद्धि रह जाएंगे तब तो मुक्ति धाम में पड़े रहेंगे, अगर पारस बुद्धि बन जाए तो फिर स्वर्ग में ना चले जाए सती हुए। उसके बाद देह अहंकार का त्याग करना, केले ने अपने देह का अजेय अहंकार का त्याग कर लिया, और गुरु अपने देह अहंकार में रहे, मान मत वाले ने में लगे रहे, तो जो प्राप्ति होनी है वो नहीं हो पाती। ऐसे प्राणायाम और ऐसे आसन की प्रक्रियाएं ऐसे तो 1000 वर्ष से सिखाते चले आए, ये कोई नई बात थोड़ी हो गई। हाँ, कोई ऊपर से नई आत्मा आती है वो ऐसे पार्ट बजाती है तो उसका नामाचार हो जाता है चारों, लेकिन जो पार्ट बजाते हैं वो अपना अपना नामाचार करने के लिए पार्ट बजाते हैं या गुप्त पार्ट बजाते हैं? तो नामाचार ले लिया तो फायदा क्या हुआ? और भगवान तो आकर के गुप्त पार्ट बजाते हैं। काम सबसे बड़ा करना जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, और नाम अपना गुप्त कर देना, इतनी बड़ी बात हो गई, सिद्धि ज्यादा होती है। कहते भी है जोग जुपति जप मंत्र प्रभाव फले तब है जब करिए दुराऊ, जो अच्छा काम किया जाए वो गुप्त होकर के किया जाए, उसको प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं,
जब उसका प्रभाव निकलेगा तो अपने आप ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। कोई भी दुकान में अच्छा माल प्योर माल मिलता है तो उसे एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं। जो उस माल को यूज करेगा वो चारों तरफ अपने आप ही बखान करेगा। इसलिए बेसिक नॉलेज में जो बेसिक ज्ञान सुनाते हैं बीके, वो कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवांस में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। न मेले होते हैं, न मलाकड़े होते हैं, न कॉन्फ्रेंस होती है, न मेगा प्रोग्राम होते हैं, न भाषणबाजी होती है, न गैदरिंग होती है। फिर भी जो आत्माएं निकल रही हैं, खूब मजबूत आत्माएं निकलती हैं, और एक से दूसरे को, दूसरे से चौथे को संदेश मिलता चला जाता है। पक्का फाउंडेशन पड़ता है। जिन्होंने बाप को सहयोग दिया और अभी वो विरोधी हो गए, तो वैसे ही 92-93 में भी भक्ति करने के बाद अभी विष्णु पार्टी में जो गए हैं वो सहयोग के अधिकारी होते हैं। जो जितना सहयोग करता है उसको उतना सहयोग मिल जाता है। शुरुआत में जिन्होंने सहयोग दिया, जबकि कोई भी सहयोगी दुनिया में नहीं थे, तो उनका हिस्सा ज्यादा बनेगा। या बीच में जब ढेर सारे सहयोगी बन गए उसके बाद जिन्होंने सहयोग दिया उनका हिस्सा ज्यादा बनना चाहिए, शुरुआत वालों का ज्यादा भाग्य बन जाता है। जैसे फसल बोई जाती है तो पहले पहले जिन्होंने फसल बो दी मौसम की शुरुआत में ही, उनको ज्यादा फसल मिल जाती है, फसल का लाभ ज्यादा मिलता है। और जो पिछाड़ी में फसल बोते हैं वो फसल कच्ची रह जाती है। वो सहयोग के अधिकारी है क्या, उनका भाग्य क्या है? हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहाँ, फिर बाद में कहाँ आकर के पूछ लटकावेंगे। सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सत्य को थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है, गुप्त किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबा दिया जाए वो नहीं हो सकता। अंत में जाकर के फिर सच्चाई प्रत्यक्ष होती है जोर से, और झूठों का सबका नाश हो जाता है, असत्य का नाश और सत्य की स्थापना हो जाती है। सद्धर्म की स्थापना, सद्धर्मों का विनाश हो जाता है। तो झूठी बातें फैलाने वाले स्वतः ही खलास हो जाएंगे, फिर उनको सहयोग मिलेगा। जितना शुरुआत में उन्होंने सहयोग दिया है उसी हिसाब से उनको सहयोग मिलेगा। रजो प्रधानता में सहयोग दिया है तो रजो प्रधान सहयोग मिलेगा, सत्व प्रधान समय में सहयोग दिया है तो सत्व प्रधानता का सहयोग मिलेगा, तमो प्रधान दुनिया की शूटिंग में सहयोग किया है तो तमो प्रधान सहयोग मिलेगा। पहले खुद समझ लो, पढ़ने की दरकार न पड़े, अच्छी तरह से बात को समझो फिर बोलो। महाभारत अभी शुरू ही कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन पड़ रहा है, अंदर अंदर आग सुलग रही है। कभी भी आगे चल कर विस्फोट हो सकता है,
एक ही एक संगठन में सब धर्म वाले घुसे हुए बैठे हैं। जैसे एक ही हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब घुसे बैठे हैं। एक ही भारत की राजधानी दिल्ली में हर धर्म के लोग घुसे बैठे हैं। बाबा में एडवांस पार्टी के कब तक लोग निकलेंगे? प्रयास तो बहुत करता हूँ लेकिन अभी तो जितना प्रयास करता हूँ धन नहीं हो पा रहा है। अब बीज तो पड़ गया। अकेले अभी पड़ रहा हूँ। बीज अकेला डाला जाता है कि ढेर सारा बीज डाला जाता है? बीज तो थोड़ा ही डाला जाता है। बीज थोड़ा पड़ता है फिर जब फसल पक जाती है तो ढेर सारे बीज तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अभी बीज पड़ा है, जब परिपक्व स्टेज आवेगी टाइम आवेगा तो ढेर के ढेर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा मिलेगा बाबा अगर मंगल से सहयोग मिले गोरखपुर से जल्दी जल्दी कुछ काम होता। सहयोग और स्नेह ये मांगा नहीं जाता है। जितना हम सहयोग देंगे उतना लाजमी हमको सहयोग जरूर मिलेगा। जितना हम दूसरों को स्नेह देंगे लाजमी उतना सहयोग जरूर मिलेगा। ईश्वरीय सेवा में भी जितना हम सहयोग बीजारोपण करेंगे उतना फसल हमको जरूर काटने को मिलेगी। और ये तो भगवान का घर है, इसमें देर है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। विजय को और रामेश्वर भाई को दीदी जो है चारों तरफ अपना फोन कर दी है, तो मतलब हर लोग हम तो जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं हमको देखकर। हम आते हैं संकट पार्टी देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। इसी से समझ लेना चाहिए कि कमजोरी किधर है, इधर है या उधर है। अब चूंकि उनका संगठन एक जगह हो जाता है हम अकेले अकेले मिलते हैं। संगठन हुजूम को नहीं कहा जाता। कौरवों की संख्या 18 अक्षौणी थी और पांडव सिर्फ 5 थे। 5 पांडवों का संगठन इतना मजबूत था कि अगर मुखिया पांडव अपनी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दे, जबकि 5 की द्रौपदी थी। 4 पांडवों को भी अपने को भी दांव में लगा दे तो कोई बोलता नहीं था, विरोध नहीं करता था एक दूसरे का। इतना पांडवों का संगठन मजबूत था। 5 उंगलियों का एक मुक्का जैसा था और कौरव 100 थे लेकिन सब एक दूसरे के ताऊ पर प्रहार करने वाले। तो यूनिटी में ताकत होती है। यूनिटी आती है प्योरिटी से, एक बाप दूसरा न कोई। इसलिए कभी हुजूम को नहीं देखना चाहिए। यहाँ इतना हुजूम इकट्ठा हो जाता है तो ये ज्यादा पावरफुल है। जब परीक्षा होगी तो हुजूम ऐसे उड़ जाएगा जैसे हवा का झोंका आया और पत्ते उड़ जाते हैं। सारे विश्व का मालिक बनने में कैसे सूक्ष्म मेहनत है? याद की सूक्ष्म मेहनत है। कैसे? याद एक की याद रहे और कुछ याद ना आए तो बड़ी भारी मेहनत है। एक ही याद आती लगातार है? नहीं आती लगातार? नहीं आती। क्यों नहीं आती? जरूर मेहनत है। माया बुद्धि को हिलाए देती है, बुद्धि कहाँ की कहाँ भाग जाती है। तो फिर बार बार ठिकाने पर लाना, बार बार याद में टिकना, यही बड़ी भारी मेहनत है। बुद्धि का एकाग्र होना
और सारा वाइब्रेशन जैसे कंट्रोल हो जाना। तो वाइब्रेशन में जो भी आत्माएं आवेंगी उनमें से कोई भी हमारा विरोध करने वाली नहीं रहेगी। वो यूनिटी बन जाएगी। है माला और क्या, बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो सब पहचान लेंगे। सब पहले माला मणके के पास नजदीक पहुंच जावेंगे। बाप गुप्त रहेगा तो जो ज्यादा पुरुषार्थी होंगे, तीव्र पुरुषार्थी, उनकी बुद्धि में ही क्लियर होगा। जितना जो अव्यक्त स्टेज में टिकेगा बाप को पकड़ेगा। अव्यक्त स्टेज में स्थिर नहीं होगा तो बाप की पकड़ से दूर हो जाएगा, माला से भी दूर हो जाएगा। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये पर शुरू हो गए कि नहीं हो गए? हैं? ये पर शुरू भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी निकल रहा है। ज्ञान में आने मात्र से, शुरुआत से ही उनका जीवन ऐसा होगा। खाने पीने में मोह नहीं, पहनने ओढ़ने में मोह नहीं, अच्छे अच्छे मकान में रहने का भी मोह नहीं। सिर्फ एक ही लगन होगी शुरुआत से, इसलिए सेवा सेवा और सेवा। और एक ही याद, एक ईश्वरीय सेवा, तन भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना, ये नहीं धन कमाने में लगाना। रोटी दाल की भी चिंता नहीं कि हमारे पास बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, कैसे आगे की जिंदगी चलेगी। अटल विश्वास, बाबा ने बोला है मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो कोई परवाह नहीं। प्रैक्टिकल में देखने आवेगा, देखने में आवेगा कि न लौकिक संबंधियों का मोह, न अलौकिक संबंधियों का मोह। लोहे की जंजीरें भी कटी हुई होंगी, सोने की जंजीरें भी कटी हुई दिखाई पड़ेंगी। शुरुआत से लेकर के अंत तक ये स्टेज उनकी ज्यादा दिखाई देगी। हैं? जब से आए होंगे? कोई आज ज्ञान में आए और अष्टदेव की लिस्ट में आ सकता है? जब से आए तब से उनकी स्टेज ऐसी बनी हुई होगी। फाउंडेशन ही कच्चा होगा तो सारी बिल्डिंग पुरुषार्थ की कच्ची बन जाएगी। लौकिक दुनिया में कोई ऐसे हैं जो माँ बाप की सिर्फ को अकेला है, है? और लौकिक दुनिया में वो ऐसे हैं कि वो माँ बाप के अकेले हैं, है? लेकिन वो काफी दिन से ज्ञान में चलते हैं, बहुत कुछ प्राप्त किए भी हैं, तो फिर लौकिक दुनिया में जाना नहीं चाहते, लेकिन माँ बाप उनको बहुत प्रेशर करते हैं। अगर वो माँ बाप को छोड़ दें तो क्या वो पाप होगा या पुण्य होगा? किसी परिस्थिति माहौल देखा जाता है, उनके माँ बाप अपने पैरों खड़े हुए हैं, उनकी परवरिश का पूरा जरिया बना हुआ है, कोई बंधन नहीं है माँ बाप का, तो छोड़ के चले आए तो कोई हर्जा नहीं। और माँ बाप को बच्चे के आधार के अलावा कोई दूसरा आधार ही नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी परवरिश करने वाला कोई है ही नहीं, देखभाल करने वाला है ही नहीं, और एक बच्चा है इकलौता, वो भी छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा, तो बाप ये पसंद करेगा ऐसे सन्यासी को? ये सन्यास वृत्ति हो गई, ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ।
जो अपने घर परिवार वालों को ही दुख देगा तो अलौकिक जीवन में सुखी हो जाएगा क्या? जोर से बोलो। बहुत लोग छोटे छोटे शरीर छोड़े। यहाँ ज्ञान में रहते रहते याद में बैठे बैठे बाबा सामने बैठे रहते हैं और उनको नींद आती रहती है, सोते रहते हैं, तो उनमें से शरीर छोड़ सोते सोते नहीं छोड़ सकते हैं? है? सोते सोते शरीर छोड़ देंगे तो अच्छी बात है ना। कुछ याद नहीं रहेगा, निल में शरीर छोड़ेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। देखो सन्यासी लगातार सोते ही रहते हैं अज्ञान नींद में, अंधे के अंधे ही बने रहेंगे। इसलिए तो बाबा ने सिखाया है कि आंखें खोल करके याद करो, ऐसे थोड़े ही। जब आंखें बंद करके बैठे हुए होंगे तभी सही छूटेगा। जागती ज्योति बनना है, निद्राजीत बनना है, अंत मते तो गति हो जाएगी। सोते सोते शरीर छोड़ दिया माना अज्ञान की निधि दुनिया में जाके जन्म लेंगे। और ऐसे तो बहुत होगा, आगे चल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, भूकंप आएंगे, एटम बम फटेंगे, रात में भूकंप आया और दबे दबाए ही मर गए, तो कौन सी गति होगी? सोते सोते मर गए या जिंदा होके भगवान की याद मरे? सोते सोते गए। और देहरादून में युगल जोड़ी नहीं है, अब माता जी की क्लास होता है, है? युगल जोड़ी तो तैयार नहीं है, है? एक दो है भी, वो तैयार दूरी है रायपुर में, तो माता जी की क्लास होता है तो वहाँ संगठन कर सकते हैं। माता जी मैच्योर्ड हैं, अधपके बाल हैं, पति भले नहीं है लेकिन माता जी थोड़ी शूट हैं, होशियार हैं, तो अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकती है। बाबा सब लोग बोलते हैं गीता पाठशाला नाम दे नहीं सकते, इसको क्लास का नाम जरूर दे सकते हैं। दे सकते हैं गीता पाठशाला नाम, लेकिन जिम्मेवारी माता जी की रहे। वो तो मिल के चलते हैं बाबा जी। हाँ जी, तो मांडू वाला संगठन होता है तो वहाँ पर कन्या सरेंडर में बैठ गई, आपने एक बार बोला कि कन्या सरेंडर घर में बैठा रखी है, वहाँ संगठन होने ही नहीं चाहिए, तो वो लोग विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो, बाबा मना करेंगे तब हम करेंगे। क्या करेंगे? तब हम बदलेंगे जगह, अभी तो वही स्थान ठीक है। अब जो लोग बदली करने के लिए बोल नहीं विघटन डाल रहे थे वो लोग तो अब अलग हो गए हैं। सोलंकी भाई, अमरदेव भाई दोनों कहते थे नहीं वही होगा मांडू वाला संगठन, अब सबको बहुत दूरी पड़ती है, वहाँ भी परिवार है। बाबा तो फ्री कर दिया है, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ क्लास करे, कोई बंधन है एक दूसरे का? बंधन थोड़े ही है। चार गीता पाठशालाएं चल रही थी, चार गीता पाठशालाओं में जहाँ जिसका दिल लगे वहाँ जाए। अभिषेक भाई है वो उनका स्वास्थ्य भी खराब है और उनका शादी कर ली है, वो बोल रहे हैं बाबा से पूछ के आना। हमने उनसे पूछा ये ड्रामा क्या है, तो कहते बाबा से पूछो क्या ड्रामा है। मैंने पत्र लिखा बाबा, ड्रामा तो यही है श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। अभी भी बोला बोलिए बाबू से पूछ के आना। मैंने कहा क्या पूछे, मुझे पूछने की क्या बात? पूछूँ तो कहते हैं क्लास में आते हैं बाबा डिस्टर्ब करते हैं बहुत। उनको बोला कि भाई जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक आप क्लास में नहीं आएंगे।
मेरे बाबू के पत्नी थे, उन्होंने हाँ ना के जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने ये कर दिया। क्या कर दिया? शादी करके आ गई, फिरवाल से कुछ करने ले आए, ऐसे मेरे जुगल आए। अपनी कन्या जो ज्ञान में चलती थी उसका क्या किया? तो उसने अपने आप शादी कर ली बाबा। अपने आप शादी कर ली तो लड़की अपने आप शादी करके चली गई। इन्होंने भी अपने आप कर ली। तो इनका तो नहीं ठीक है ना, कन्या का तो कोई बुरा नहीं मान रहा है, इनका तो सब बुरा मान रहे हैं। पूरे घरवाल जरा दिन में चहलका मच गया, पूरे संगठन में ही क्या हुआ। अब सब हमको पूछते हैं हम क्या बताएं भाई, क्या ड्रामा है देखो साथियों को। और चिंतन क्यों कर रहे हैं सब? हाँ, तो अपना पुरुषार्थ क्या है? उनको क्लास में मत बिठाओ। तो बाबा फिर हमने उस दिन मना किया कि आप ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार साइन नहीं करोगे। तो थोड़े दिन बाद कैसे मैं भट्टी करी आया। हाँ हाँ नहीं भट्टी जब योगन चलेगी तभी तो भट्टी करेंगे। आए थे लेकिन वो तो योगन तो चलना ही नहीं चाहती। नहीं पूरा भट्टी नहीं किया ना पूरा सब। हाँ तो बाबा बोला हम भट्टी करे आए हैं, भट्टी करके तो लड़की को जबरदस्ती बैठा दिया, वो ज्ञान में चलना नहीं चाहती है। तो ऐसे थोड़ी होता है, कम है थोड़ा। वो पर्सनल बात छोड़ो, तुम्हें क्या करना चाहिए बाबा? कुछ नहीं करना चाहिए उनको, वो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। एक क्लास में बैठाएंगे, दोनों आ जाते हैं सोते रहते हैं दोनों। 10-12 लोग हम बड़े अच्छे से क्लास कर रहे हैं, हम चक्कर मचाते रहे उससे तो अच्छा है। सोते रहे ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो जाएंगे उनको पहले चेकिंग होगी। बच्चे को मैं 8 जन्म होते हैं कृष्ण वाली आत्मा के, और कृष्ण के फॉलोअर्स के 8 जन्म होते हैं, और त्रेता योनी आत्माओं के 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ गया। जोर से बोल। हवा गुप्त निकल जाएगी, देवियों की पूजा होगी। बाबा अभी गुप्त नहीं है, हैं? बाबा ने तो 2000 के बाद ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया, दुनिया वालों की आंखों से बाबा अव्यक्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। और धीरे धीरे बच्चों की अवस्था गिरती जाती है, तामसी वृत्ति बढ़ती जा रही है, तमो प्रधान होते जा रहे हैं, पुरुषार्थ डाउन होता जा रहा है। तो बच्चों की संख्या वास्तव में जो आत्म की स्थिति में रहने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी या बढ़ेगी? आत्मिक स्थिति में रहने वालों की संख्या कम होती जाएगी, तो जो बच्चे होंगे उनके सामने थोड़े गुप्त हो जाएंगे, बच्चों के सामने फिर भी प्रत्यक्ष रहेंगे, औरों के सामने गुप्त हो जाएंगे। करते 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 8 ही बच्चे रह जाएंगे जिनके लिए बोला है, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। बाकी तो बाबा के सामने बैठ के भी नींद के झोंके आराम से लेंगे। और बाबा वाले बोला है 2 फीट फिट हो चुकी है, ठीक है, जो है वो आना जाना कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में आना जाना कर रहे हैं या मन बुद्धि से आना जाना कर रहे हैं? मन बुद्धि से आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं आना जाना है। जिनकी बुद्धि में भी 8 के बारे में संकल्प चल रहे हैं उनका आना जाना नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। और नई दुनिया में आना जाना पहले नहीं करते थे? नई दुनिया में जाने के लिए पहले संकल्प चलाने के लिए नहीं बोला गया?
नई दुनिया को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, बाप को याद करो, पहले नहीं बोला क्या? जिनकी बुद्धि में वो बात क्लियर होती जाती है कि नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए कोई ब्राह्मणों का संगठन तैयार पहले होगा, उस संगठन में जाने आने वाले भी होंगे और कोई उस संगठन को विशेष चलाने वाले भी होंगे। प्रैक्टिकल में ही आने जाने की बात है। और बाबा, बाबा ने खिला के ठीक है, ये आदि में कैसे हुआ? ये आदि में राम वाली आत्मा मैंने धन हर लिया होगा ब्रह्मा बाबा का, तो अगले जन्म में गरीब बनना पड़ा, नाम पड़ गया सुदामा, दाम माने धन संपत्ति, कहते हैं इनके पास दाम बहुत है, दाम माने नोट बहुत है। वो तो दुनिया वाले तो हद के नोट समझते हैं, यहाँ कौन से नोट है, यहाँ ज्ञान धन की बात है। तो दामा माने धन संपत्ति वाला, कैसी धन संपत्ति वाला? सुदामा, सु माने सुंदर, दाम सुंदर धन संपत्ति जिसके पास ज्यादा है, माने राम वाली आत्मा। और इस जन्म में फेल हो गई, जब फेल हो जाता है, अनिश्चय बुद्धि बन जाता है, तब वो धन को वापस लेता है, चांडाल बनता है या नहीं बनता है? है? कोई को ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय हो जाए, पहले उसने बहुत कुछ दिया और खर्च से अनिश्चय हो गया, तो जो कुछ भी हाथ में है वो अपने कंट्रोल में लेगा या नहीं लेगा? है? लेगा। तो यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान तो था नहीं, इसलिए अनिश्चय बुद्धि बन गए, फेल हो गए, फेल हो गए, तो ईश्वरीय संपत्ति उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। हाँ, तो 14 वर्ष का ही क्यों मांगा या कम ज्यादा नहीं मांग सकती थी? ओ, जैसे कौरवों ने 13 वर्ष का क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि 13 वर्ष में इतनी दृढ़ता मजबूत हो जाएगी शत्रुघ्न और भरत की कि राम से भी टक्कर लेकर के उनको भगा देंगे। या दुर्योधन दुशासन की इतनी ताकत बढ़ जाएगी कि पांडव अगर वापस आवेंगे 13 साल के बाद तो उनको पांव नहीं टिकने देंगे। और बाबा ने पूछा कि रावण के यहाँ भीषण जो है राम का नाम लेता था, यानी राम का वस्त्र था, कौन भीषण? तो रावण के परिवार में बहुत बड़ा परिवार बताया गया है, तो उस परिवार में से रावण की तो जलवायु भी प्रकाश प्रति सब जलवायु अग्नि प्रकार है, ऐसा दिखाया गया रावण के मुट्ठी में थे। हाँ जी, लेकिन विभीषण, यानी विभीषण ऐसा क्या था कि विभीषण ही राम का वस्त्र था? उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उसके बगैर रावण के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की यादगार है, सत्ता तेरी के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले कोई फूल, तो भगवान बाप की यादगार है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया, ऐसी ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया, संपूर्ण ब्राह्मणों का ऐसा संगठन तैयार होगा, ऐसी यूनिटी, ऐसा परिवार तैयार होगा जिसमें भगवान की इच्छा के बगैर कोई पत्ता रूपी आत्मा हिलेगी भी नहीं, सब श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ कोई नहीं चलेगा। ये रावण की यादगार नहीं, पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। और ये दशरथ को बाबा, दशरथ को उसमें जो है मुकुट
पहने दिखाया गया है। इसके बाद लास्ट में जब राम को वनवास दिया जाता है उस समय ना दशरथ को उनको शास्त्रों में दिखाया गया ना राम को दिखाया गया। भरत को भी जब राम की खड़ाऊ राज में रखे हुए दिखाया गया, मुकुट को नहीं दिखाया गया। वो कहा राम को जंगल है सतयुग त्रेता और राजाई चलती है अयोध्या में जहाँ युद्ध होता नहीं है। सतयुग त्रेता में युद्ध होता है, है? नहीं होता, तो वो अयोध्या का राज्य है। वहाँ दशरथ को भी मुकुट है और युवराज को भी मुकुट होता है और द्वापर कलयुग में कांटों का जंगल बन जाता है। तो कांटों की जंगल की याद जब दशरथ को आती है तो उनका भी मुकुट नहीं और बच्चों का भी मुकुट नहीं है। तो सारी संगम युग की बातें, हाँ जी, शास्त्रों में तो सारी जिस्मानी बातें उठा ली है। और इंद्र दशरथ को इंद्र के यहाँ सिंहासन आसन आधा ही आसन मिलता था ऐसा बताते हैं शास्त्रों में। लेकिन बाली तो बहुत बलिवान था, नहीं तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि जिससे युद्ध करता था तो उसका पहले आधा बल छीन लेता था, मतलब उसके ऐसा वरदान मिला था और अपना बल प्रयोग करता था तो पराजित कर देता था। तो बंदर था दशरथ, कोई बंदर थोड़ा ही था। हाँ, बाली और सुग्रीव बंदर संप्रदाय थे, जंगल में राज्य करते थे या शहर में राज्य करने वाले थे? हर बात का अर्थ तुरंत बताने से गड़बड़ हो सकता है। जनक का नाम जनक क्यों रखा? जनक माने बाप, जो सीता का भी बाप है उसका नाम रखा गया शास्त्रों में जनक। तुम सब सीताएं हो, तुम सीताओं का बाप कौन है? वो ही जनक है जिसने सब सीताओं को पहचान दी कि तुम आत्मा हो। पहले आत्माएं अपना परिचय जानती थी क्या? नहीं जानती थी। दे अभिमान की मिट्टी में गड़ी हुई बुद्धि थी, बुद्धि रूपी घड़ा कैसा था? दे अभिमान की मिट्टी में गड़ा हुआ था। तुम सब सीताओं का बुद्धि रूपी घड़ा दे अभिमान की मिट्टी में गड़ा हुआ था। भगवान बाप ने आकर के ज्ञान का हल चलाया तो घड़ा बाहर निकल आया, सीता का जन्म हुआ। तो बाप है जनक और तुम सब हो सीताएं। हाँ जी, अरे पढ़ पढ़ के क्यों बताते हैं? ऐसे ही बताओ ना, लास्ट तो फास्ट, फिर क्या हुआ? अभी के समय के अनुसार कौन खास पुरुषार्थ करने वाला? जिन्होंने योगी के पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, अच्छा पुरुषार्थ किया था, अभी आकर के दोबारा जन्म लेकर के बड़े होकर फिर लास्ट में आ रहे तो फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रारब्ध ब्राह्मण पने का इधर ऐड हो जाता है, तो लास्ट में आने पर भी फास्ट जा सकते हैं। ऐसे थोड़े दीदी दादियां दादा है फास्ट जा सकते हैं। बाबा जी, जब मैं बेसिक में थी तो वहाँ जनक की बात जब आई थी तो जो बात बताई थी जब आपने कहा, लेकिन इसके बाद वो कहा नहीं ये जनक की बात नहीं, दूसरे जनक की, तो दूसरा जनक कौन सा है? वो उन्हीं से पूछो ना जो उन्होंने बताई, यहाँ की बताई हुई बात यहाँ याद रखो, उन्होंने जो बताई वो यहाँ क्यों पूछ रहे? नहीं तो हम उसको नहीं मालूम, हमने नहीं बोले थे, हमने कहा हम बताएंगे, फिर मौका नहीं लगा, हमने घर निकाला है। हाँ जी,
शास्त्रों में भीष्म पितामह को देवव्रत कहा गया पहले का नाम। हाँ देवव्रत। हाँ जी हाँ जी। बाद में भीषण तपस्या करने के बाद उसको भीष्म पितामह का टाइटल दिया गया। हाँ जी हाँ जी। तो उसका फिर अंत क्यों दिखाया गया मृत्यु, क्योंकि देवता तो श्रेष्ठ हुआ ना। है देव जो है श्रेष्ठ हुआ ना, उसका बेस्ट था, उसकी उसका मृत्यु क्यों दिखाई गई। इच्छा मृत्यु हुई देवताओं की, क्या मृत्यु नहीं होती है सतयुग में? मृत्यु तो सतयुग देवताओं की भी होती है, लेकिन इच्छा मृत्यु होती है, जब चाहे तब शरीर छोड़े, न चाहे तब तक शरीर न छोड़े। आवाज आ रही तो पता ही नहीं चलता। दूसरों से दूसरों को स्पर्श करने से भी व्यभिचार होता है। दूसरों को स्पर्श करने से भी व्यभिचार कहा जाता है। अगर क्लास में किसी को झुटका है उसे हिलाए तो उसे क्या कहा जाएगा? वो तो भावना देखी जाती है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना देखी जाती है, किस भावना से क्या कर्म किया गया। किसी की भावना दूसरे को जगाने की है, एक होती है टच करने की भावना, दे अभिमान भोगने की, और एक होती है भावना दूसरे को जगाने की। तो भावना काम करेगी या जो कर्म किया है वो कर्म काम करेगा? हर बात में भावना देखी जाती है, कर्म वही है, लेकिन भावना अलग है तो उसका फल भी अलग होगा। जब याद में बैठने लगो तो जमुई क्यों आती है? जब याद में बैठो तो जमुई क्यों आती है? थका हुआ होगा तो जमुई आएगी, कम सोया हुआ होगा तो भी जमुई आएगी, ज्यादा नींद करके याद में बैठेंगे तो भी जमुई आएगी। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बैलेंस में रहो, न ज्यादा सोना, न ज्यादा जगना, न ज्यादा थकना। सोते उठा ज्यादा नहीं है, जागते ज्यादा है। कंपनी में जो सेवा चल रही है बहुत बंदर बहुत कम करते हैं। हाँ जी। बहुत कपड़े फाड़ते हैं, क्या उनको मारने चाहिए या नहीं? मारने के बाद नहीं आएंगे, दो तीन दिन मारा था तो आना बंद। मारा था? हाँ ध्यान से मार दिया? नहीं वैसे मारा था, शांत। वैसे तो मारना है ही, वैसे मारेंगे नहीं तो भागेंगे कैसे? काम की बात पूछो। तो जिसको खाना खाना होगा वो अपनी रोटी की सुरक्षा करेगा, नहीं खाना होगा तो बनाएगा और बंदरों के लिए सामने रख देगा, ले जाओ। इसको पूछने की क्या बात है? शरीर के भी बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। हाँ। लेकिन अभी देखा जाए तो कोई सेवा आदर सेवा के करने के साथ करते हैं, लेकिन तो क्या उन बच्चों के बाद भी बच्चे हों, चाहे मनसा सेवा करने वाले हों सच्चे दिल से, चाहे वाचा से सच्चे दिल से सेवा करने वाले हों, चाहे कर्मणा से सच्चे दिल से सेवा करने वाले हों, कैसे भी सेवा करने वाले बच्चे हैं तो उनको बाबा याद करते हैं, और याद का प्रूफ ये होगा कि उन बच्चों को खुशी ज़्यादा रहेगी। सेवा करते हैं और खुशी नहीं आती है, इससे साबित होता है कि सेवा में स्वार्थ मिक्स हुआ पड़ा है, सेवा के बदले और ही डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। शकुनी का अर्थ क्या होता है? शकुनी का अर्थ होता है पक्षी।